राजस्थान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामेश्वर लाल डूडी, जिनके लिए प्रदेश भर में दुआओं का दौर जारी है। हम रोजाना तौर पर आपके लिए डूडी के स्वास्थ्य को लेकर अपडेट देते हैं। जी हां, अब तक उनके स्वास्थ्य को लेकर पल पल के तमाम अपडेट्स हमने आपको दिए। आज एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपको एक और राहत भरी खबर देने के लिए। जी हां, सूत्रों के मुताबिक अब खबर सामने आ रही है कि डूडी ने पहली बार अपनी आंखें खोली है। पिछले महीने की 27 तारीख के बाद से अब तक उन्हें होश नहीं आया था। उनके स्वास्थ्य में सुधार भी लगातार देखने को मिल रहा था, लेकिन अब एक ऐसी खबर बताई जा रही है कि सूत्रों के मुताबिक कि डूडी ने कई दिनों के बाद आज अपनी आंखें खोल ली हैं। डूडी के अपनों और उनके समर्थकों के लिए ये वाकई राहत देने वाली खबर है। यहाँ तक कि डॉक्टर्स को भी इस बात का इंतजार था कि डूडी कब अपनी आंखें खोलेंगे, लेकिन सूत्रों के मुताबिक आज ये खबर आ ही गई कि डूडी ने आखिरकार अपनी आंखें खोल ही ली। रामेश्वर डूडी के जल्द स्वस्थ होने की कामना को लेकर राजस्थान के शहरों से लेकर गांव ढाड़ी तक लोग दुआएं मांग रहे हैं। बीकानेर के शिवालयों में समर्थक उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। उनके समर्थक और उनके अपने बस यही चाहते हैं कि डूडी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में डूडी का इलाज चल रहा है। उन्हें आईसीयू से एचडीयू में शिफ्ट भी कर दिया गया है। उनके बॉडी ऑर्गन्स अब ठीक से काम कर रहे हैं, उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम भी ठीक से काम कर रहा है। वो बीते दिनों से आर्टिफिशियल ऑक्सीजन का सपोर्ट भी नहीं ले रहे हैं। डॉक्टरों की टीम की तरफ से हर संभव प्रयास जारी है। डूडी की सेहत में सुधार तो लगातार देखने को मिल रहा है। यहां तक कि ये बात भी कही जा रही है कि उनके हाथ पैरों में कुछ हद तक मूवमेंट भी देखी गई है।